हेलो दोस्तों, सक्षम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए प्रोबेबिलिटी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिससे ज़्यादातर बच्चे डरते हैं। ये वो टॉपिक है जो बहुत ईजी होता है, बस इसकी लैंग्वेज अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत ईजीली इस क्वेश्चन को कर देंगे। जैसा कि आप जानते हो कि बायस थ्योरम में जो क्वेश्चन आता है वो बहुत बड़ा आता है, उसकी लैंग्वेज आप कभी कभी समझ नहीं पाते क्या करना होता है क्या नहीं करना होता। देखो, बहुत ईजी होती है बायस थ्योरम, किस तरीके से अप्रोच करनी होती है हम उसकी बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बायस थ्योरम हम कहाँ पर लगाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस में लगेंगी और कैसे कैसे आप उसको लगाओगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यही बात करते हैं कि दोस्तों के बायस थ्योरम लगती किस टाइप के क्वेश्चंस में है। तो मैं आपके सामने एक कंडीशन दे रहा हूं। एक कंडीशन क्या है, आपके सामने तीन बैग रखे हुए हैं। एक बैग रखा हुआ है ये बैग ए, ठीक है दोस्तों, एक बैग रखा हुआ है बी और एक बैग रखा हुआ है सी, ठीक है दोस्तों। एक बैग ए है, एक बैग बी है और एक बैग सी है। बैग ए में क्या था, बैग ए में कुछ बॉल रखी हुई है, कौन कौन सी, ग्रीन बॉल और भैया हम बोल सकते हैं वॉयलेट बॉल, ग्रीन बॉल और वॉयलेट बॉल, ग्रीन बॉल और वॉयलेट बॉल, सब में ग्रीन और वॉयलेट, ग्रीन और वॉयलेट। इसमें दो और तीन बॉल है, इसमें एक और तीन बॉल है, इधर दो और दो बॉल है, ऐसे है, ठीक है दोस्तों, हमने ये माना। अब देखो बायस थ्योरम क्या कहेगा, आपसे कहेगा कि आपके सामने तीन बैग हैं, तीनों बैग में इस तरीके से बॉल रखी हुई है। अब आप क्या कर रहे हो, एक बॉल को निकाल रहे हो। आपने क्या करा, एक बॉल को उसमें से निकाला। तो आपसे वो क्वेश्चन कह सकता है कि जो बॉल निकाली है आपने वो ग्रीन है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। क्या, कि जो बॉल आपने निकाली है वो ग्रीन है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यहां पर भैया, यहां पर अगर वो आपसे बोलता है कि ग्रीन बॉल है, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी बताइए, जो आपने निकाला है उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, तो भैया वहां पर लगता है कंसेप्ट टोटल प्रोबेबिलिटी का। किसका, टोटल प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर वो आपसे ये कहे कि आपने बॉल निकाली, वो बॉल ग्रीन निकली थी, लेकिन प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो बॉल वो बैग बी से निकली थी, क्या, प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो बॉल बैग बी से निकली थी। इस बात का क्या मतलब हुआ, आपने ग्रीन बॉल तो निकाल ली, ग्रीन बॉल तो निकाल ली, अब हमको ये बताना है कि ये जो ग्रीन बॉल निकल कर आई है ये बैग बी में से निकल कर आई होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा, यहां पर लगेगी बायस थ्योरम, यहां पर क्या लगेगी, बायस थ्योरम, ठीक है दोस्तों। दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, टोटल प्रोबेबिलिटी भी और बायस थ्योरम भी। तो बात करते हैं यहां पर हम कैसे कैसे क्या क्या लगाएंगे। अब देखो, आपके सामने तीन कंडीशन थी, कितनी कंडीशन है, एक दो तीन। पहले तो देखो, आपको बॉल निकालनी है तो आपके सामने ये तीन बैग रख दिए मैंने। अब आप क्या करोगे, या तो ए में से निकालोगे या बी में से निकालोगे या फिर सी में से निकालोगे, इसी को बोलते हैं हम आपके सामने कंडीशन। और जब कंडीशंस होती हैं तो उन्हीं कंडीशंस को हम क्या मान लेते हैं, इवेंट मान लेते हैं। तो आप क्या करोगे, लेट कर लेना, लेट अपनी कंडीशंस को इवेंट मान लो, इवन इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग वन, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग वन, सेलेक्टिंग बैग ए, कौन सा बैग, बैग ए, ठीक है। दूसरा इवेंट ई टू आपने मान लिया, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग टू, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग टू, बताइए दोस्तों। देखो सबसे पहले जो कंडीशंस आपको दे रखी है ना, जितनी कंडीशंस आपके सामने हैं आप उनको अपना इवेंट मान लीजिए। और E3, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग C, मैंने ये तीन कंडीशंस मान ली। अब इन तीन कंडीशंस के बाद अब इनको प्रोबेबिलिटी देखिए। देखो आपके सामने तीन बैग हैं, तीन में से आप एक बैग को ही तो उठाओगे, तो उस बैग के उठाने की प्रोबेबिलिटी, उस बैग के चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। इवन की बात करूं, टोटल तीन थे, सेलेक्ट आपने इवन करा, एक बैग सेलेक्ट करा तीन में से, तो 1/3। ऐसे ही ई टू की बात कीजिए, आपने अब दूसरा बैग सेलेक्ट कर लिया, लेकिन सेलेक्ट तो आपने बैग एक ही करा है, टोटल बैग कितने थे, तीन थे। ऐसे ही ई थ्री की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये काम करना होता है बायस थ्योरम में या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी के केस में, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके बाद क्या करोगे। अब देखो,
इसके बाद वो आपसे क्या कह रहा था, आपने बॉल निकाली, बॉल कौन सी निकल कर आई है, वो आपकी बन जाएगी एक और इवेंट बन जाएगा। जैसे मैंने कहा ग्रीन बॉल, कौन सी बॉल निकल कर आई है, ग्रीन बॉल, तो आपने एक और इवेंट बनाया, ए इवेंट, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग, सेलेक्टिंग मत कीजिए, चूजिंग कर लीजिए, हमने क्या करा है, चूजिंग ए ग्रीन बॉल, कौन सी बॉल निकल कर आई है, ग्रीन बॉल। ठीक है दोस्तों, कौन सी बॉल निकल कर आई, ग्रीन बॉल। ठीक है, बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब सुनो, अब हमसे वो जो बात करेगा, अब उसके बाद आपको इसके बाद क्या करना होता है, आपको निकालना होता है अगर ये ग्रीन बॉल इवन इवेंट में से निकल कर आई होती तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी। इवन इवेंट में से ये ग्रीन बॉल, इसका मतलब इवन का मतलब बैग ए में से अगर ग्रीन बॉल निकल कर आई होती तो उसकी प्रोबेबिलिटी, टोटल बॉल वहां पर थी 5, निकल कर कितनी आ सकती है 2, तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/5। ठीक है, ऐसे ही अगर ये ग्रीन बॉल भैया E2 बैग में, E2 इवेंट में से निकल कर आती, E2 इवेंट मतलब बैग बी में से निकल कर आती, टोटल थी 4, ग्रीन कितनी है 1, तो आप कितनी बोलते हैं 1/4। ऐसे ही भैया ये प्रोबेबिलिटी, ये जो ग्रीन बॉल है ये अगर E3 में से निकल कर आती तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती, टोटल है 4, ग्रीन है 2, कितनी हो जाती, 2/4, जिसको आप बोल सकते हो कितना, 1/2। बताइए दोस्तों यहां तक की दिक्कत, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अब आपको देखो दोस्तों निकालना क्या था, अगर वो ये बोलता है कि जो बॉल निकल कर आई है वो ग्रीन निकल कर आई है, ग्रीन बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, किसके, ग्रीन बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी, तो ग्रीन बॉल क्या था, ए था, तो ए की ही तो प्रोबेबिलिटी बोलता है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों टोटल प्रोबेबिलिटी, क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास जितने भी इवेंट हैं वो सबको लिख दीजिए इस तरीके से, E1 लिखा तो A by E1 उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर प्रोबेबिलिटी E2 सेलेक्ट करा है आपने, E2, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी PA by E2। ऐसे ही आपके पास एक और इवेंट था E3, PE3, और भैया क्या कर दीजिए, PA by E3। बताइए दोस्तों, है ना, यहां तक समझ में आया। अब E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/3, A by E3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5, प्लस 1/3 A2 की, A by E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, मल्टीप्लाई में ये कितना हो जाएगा, 1/2। तो दोस्तों आपके सामने ये कितना निकल कर आया, 2/15, कितना, PA कितना निकल कर आ रहा है, 2/15, प्लस ये कितना है, 1/12, कितना, 1/12, और दोस्तों यहां पर ये कितना है, 1/6, 1/6। इसके बाद अगर मैं इनका LCM ले लूं तो भैया LCM कितना आ जाएगा, 60। इस LCM को इस 15 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, उस 4 का ऊपर 2 में मल्टीप्लाई कितना हो गया, 8। 12 से 60 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 का 1 में मल्टीप्लाई कितना हो गया, 5, प्लस 6 से कितनी बार गया, 10, तो ये आ गया 10। तो प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब ग्रीन बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल दी, 8, 5, 13, 10, 23/60। ठीक है ना दोस्तों, तो ये थी टोटल प्रोबेबिलिटी, अगर आपसे बोलता ग्रीन बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी बताइए तो आप उसको ऐसे निकालते। ठीक है, अब वो आपसे ये पूछ सकता था कि ग्रीन बॉल के निकाली जो आपने वो ग्रीन बॉल निकल कराई थी, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बैग बी या फिर बैग सी या फिर ए में से निकल कराई थी, तो हम मान लेते हैं सी की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, सी की, तो इसका मतलब वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, सी बैग कहाँ था, 3rd में था, 3rd इवेंट में, तो 3rd इवेंट में से निकल कर आई है भैया ग्रीन बॉल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो भैया इसका फॉर्मूला ये होती है बायस टर्म, यहां लगेगी बायस टर्म, कैसे लगेगी, E3 की बात कर रहा है तो E3 मल्टीप्लाई में PA by E3, और भैया डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगी हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, ये कितना था, 1/3 मल्टीप्लाई में कितना था, 1/2 अपॉन में 23/60, है ना दोस्तों। अब देखो ये कितना बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1/6, नीचे बन जाएगा 23/60, इस 6 से इस 60 को हम कैंसिल कर सकते हैं भैया कितनी बार, 10 बार, और ये 10 चला जाएगा ऊपर, तो कितना बन जाएगा, 10/23। देखो इस तरीके से बेस थ्योरम को हमको कंप्लीट करना होता है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लैंग्वेज समझनी है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन,
देयर आर टू कॉइन्स, वन ऑफ देम इज बाइस्ड कॉइन सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/3 एंड द अदर कॉइन इज फेयर कॉइन। तो देखो क्या कहा, आपके सामने दो कॉइन रखे हैं तो जितनी कंडीशंस आपके सामने है वही आपके क्या बन जाते हैं, इवेंट। तो दोस्तों आप यहां पर क्या कहोगे, लेट लेट इवन बी द इवेंट, इवेंट है इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग, पहला कौन सा था बाइज्ड कॉइन, सेलेक्टिंग ए बाइज्ड कॉइन। ठीक है भैया, हमने क्या करा, बाइज्ड कॉइन को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, E2 की बात करते हैं, E2 इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग एन अनबाइज्ड कॉइन, अनबाइज्ड कॉइन, अनबाइज्ड कॉइन। ठीक है दोस्तों, तो हमारे सामने दो कंडीशंस आ गई, E1 एक इवेंट हो गया सेलेक्टिंग अ बाइज्ड कॉइन, E2 एक इवेंट हो गया सेलेक्टिंग एन अनबाइज्ड कॉइन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं वही चीज पहले, अब इसके बाद क्या निकालेंगे भैया, हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे E1 और E2 की, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 कितनी निकल कर आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी निकल कर आएगी, ये निकल कर आएगी 1/2 क्योंकि आपके पास दो ही कंडीशन है, दो में से कोई एक उठाओगे। ठीक है दोस्तों, इसकी भी कितनी निकल कर आएगी 1/2। बताइए इसके बाद हमको क्या करना होता है दोस्तों, इसके बाद हमको हमारा एक इवेंट ए मानना होता है भैया, क्या ए, तो यहां पर ए की बात करते हैं, ए क्या होगा, अ कॉइन इज सेलेक्टेड, एक कॉइन को हमने सेलेक्ट किया और फिर हमने उसको क्या कर दिया, टॉस कराया, टॉस कराने से क्या हुआ, इफ द कॉइन शो हेड, कॉइन ने क्या शो किया है, हेड शो किया है, तो भैया ये ए जो बन जाएगा क्या हो जाएगा, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड वाइल अ कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, वाइल अ कॉइन इज टॉस्ड, वाइल एक कॉइन इज टॉस्ड, जब हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हमको क्या मिला, हेड मिला, ये एक इवेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं आगे, अब हम इसके बाद क्या निकालते थे, हम इसके बाद निकालेंगे पी ए बाय इवन, मतलब आपको हेड मिला है इवन इवेंट से, इवन इवेंट था क्या, इवन इवेंट था बाइज्ड कॉइन, बाइज्ड कॉइन का था, किसका भैया, बाइज्ड कॉइन का, बाइज्ड कॉइन ऐसा कॉइन होता है जिसको आपने बनाया है और अपने अकॉर्डिंग आप उस पर हेड और टेल को ला सकते हो। ठीक है, उस पर इक्वल चांसेस नहीं है हेड और टेल आने के, आपने क्या करा है, कुछ इस तरीके से उसको डिजाइन करा है कि आप जितनी बार चाहे हेड ला सकते हो, जितनी बार चाहे आप टेल ला सकते हो। तो यहां पर कंडीशन दे रखी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो है वो 1/3 है, कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी है, 1/3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी है, 1/3। देखो इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि एक बार हेड आ रहा है तो तीन बार टेल आ रहा है, तीन बार टेल आ रहा है तो एक बार हेड आ रहा है, इसका मतलब कॉइन को आपने टॉस टोटल कितनी बार करा होगा, 4 बार करा होगा, जिसमें से हेड आपको सिर्फ एक बार मिला होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम ए बाई ई टू की, किसकी, ए बाय ई टू की, मतलब अब जो आपका हेड आया है वो कहां से आया, अनबाइज्ड कॉइन से। देखो अनबाइज्ड कॉइन पे हम जानते हैं एक हेड एक टेल और दोनों पे चांसेस बराबर होते हैं, कुछ भी आ सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है बाइज्ड कॉइन अनबाइज्ड कॉइन की 1/2। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे, सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है या फिर बाइज्ड थ्योरम लगानी है, क्या कह रहा है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ बाइज्ड कॉइन, मतलब आपने हेड तो मिला, वो जो हेड मिला था वो बाइज्ड कॉइन पर था, किस पर था, बाइज्ड कॉइन, बाइज्ड कॉइन के लिए हमारे पास इवेंट कौन सा था, इवन, इसका मतलब ये आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी आप इवन की बताइए और जब आपको क्या मिले, हेड मिले। तो भैया ऐसे वाले केस में हम क्या लगाते थे, हम लगाते थे बाइज्ड थ्योरम, क्या लगेगा, फॉर्मूला लगाओगे तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाई में पी ए बाय इवन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाई में पी ए बाय इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू मल्टीप्लाई में पी ए बाय ई टू। बताइए दोस्तों, ठीक है, यहां पर पुट करते हैं, इवन की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/4 अपॉन में 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/2
इंटू ये कितना था हमारे पास 1/2। तो दोस्तों देखो, मैं एक काम कर सकता हूं कि 1/2 1/2 सब में से कॉमन लेके कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचेगा ऊपर 1/4, नीचे बचेगा 1/4 + 1/2, है ना दोस्तों। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जो हम लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e1/a कितना मिल जाएगा, ऊपर था 1/4, नीचे का एलसीएम आ जाएगा 4, 4 से इस 4 को डिवाइड करोगे 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कितना आएगा 1, प्लस 2 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा 2। अब हम जानते हैं इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो भैया आपके पास जो आंसर आया प्रोबेबिलिटी ऑफ e1/a कितना निकल कर आ गया, 1/3 आंसर। देखो बायस थ्योरम इतनी इजी होती है, बायस थ्योरम, आई बात समझ में। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट 5 मेन आउट ऑफ 100 एंड 25 वुमेन आउट ऑफ 1000 आर गुड ऑरेटर, ठीक है, 5 मैन 100 में से, 100 आदमी थे, 100 में से 5 आदमी अच्छे वक्ता हैं, 1000 महिलाएं थी, 1000 में से 25 महिलाएं अच्छी वक्ता हैं, assuming that there are equal number of men and women, find the probability of choosing a good orator. तो पहले आप ये बताइए आपके सामने कंडीशन कौन सी है, कंडीशन है दोस्तों आपके सामने महिलाओं की और आदमियों की, मैन और वुमेन की, तो आप क्या करोगे, आप लेट करोगे, लेट इवन इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग मैन, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग मैन, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग किसको सेलेक्ट कर रहे हैं हम, सेलेक्टिंग मैन, ठीक है, ई टू क्या हो जाएगा, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग वुमेन, ठीक है दोस्तों, मतलब हम मैन भी सेलेक्ट कर सकते हैं और हम वुमेन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बताइए दोस्तों। अब इसके बाद इनकी प्रोबेबिलिटी देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, देखो ये बताइए, या तो आप मैन को सेलेक्ट करोगे या फिर आप वुमेन को सेलेक्ट करोगे, आपके पास दो कंडीशन है, दो कंडीशन की प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें तो 1/2 हो जाएगी, दोनों में से कोई सी भी एक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए गुड ऑरेटर, गुड ऑरेटर मतलब इन, ए क्या हो जाएगा, इवेंट ऑफ चूजिंग ए गुड ऑरेटर, इवेंट ऑफ चूजिंग ए गुड ऑरेटर, चूजिंग ए गुड ऑरेटर, ठीक है ना दोस्तों, ये क्या हो गया, इवेंट ऑफ चूजिंग ए गुड ऑरेटर। अब आगे बात करते हैं, अब इसके बाद हमको क्या निकालना होता था, सर हमको निकालना होता था a/e1, मतलब गुड ऑरेटर निकल कर आया है e1 इवेंट से, e1 इवेंट क्या था, आदमियों का इवेंट था, आदमी, आदमियों में से गुड ऑरेटर, तो मैं जानता हूं टोटल गुड ऑरेटर 5 थे, टोटल कितने थे आदमी यहां पर, 100, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी, 5/100, जिसको हम कितना बोल सकते हैं, 1/20। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ a/e2 मतलब गुड ऑरेटर निकल कर आया कहां से, e2 इवेंट किसका था, महिलाओं का, तो महिलाओं में से गुड ऑरेटर 25 महिलाएं गुड ऑरेटर हैं, कितने में से, 1000 में से, तो 25/1000, इसकी अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो कितनी रेशियो और सिंपल करना है तो कितना हो जाएगा, 1/40, ठीक है दोस्तों। आगे अब आपको क्या निकालना है कि वो गुड ऑरेटर होना चाहिए, तो ये बताओ यहां पर गुड ऑरेटर हमने इवेंट ए माना है ना, वो गुड ऑरेटर होना चाहिए, उसने ये तो नहीं कहा कि आदमी हो गुड ऑरेटर जो निकल कर आया है या फिर वो महिलाएं हो, ऐसा कुछ नहीं कहा, इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताइए, तो भैया इसका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a/e1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ e2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a/e2, ठीक है दोस्तों। आगे काम करते हैं, ये कितना था मेरे पास, 1/2 मल्टीप्लाई में 1/20 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई में 1/40। एलसीएम की अगर हम बात करें तो दोस्तों एलसीएम कितना आ जाएगा, 20, 40, 80, कितना आ जाएगा, 80, 40 से 80 जाएगा कितनी बार, 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो कितना हो गया, 2 प्लस 80 से 80 गया 1 बार, तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी मिल गई, 3/80, तो हो गया मेरा आंसर कंप्लीट, बताइए दोस्तों कितनी इजी थी, है ना दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन भी हमने बहुत इजीली इसको कंप्लीट कर लिया, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इन अ शॉप एक्स 30 टीन्स ऑफ घी ऑफ टाइप ए एंड 40 टीन्स ऑफ टाइप ऑफ बी,
विच लुक अलाइक। देखो एक शॉप थी एक्स जिसमें 30 टिन थे टाइप ए के और 40 टिन थे टाइप बी के, आर केप्ट फॉर सेल। वाइल इन शॉप वाई, एक और शॉप है कौन सी वाई जिसमें 50 टिन टाइप ए के हैं और 60 टिन टाइप बी के हैं, वन ऑफ टेन। देखो अब आपके बताइए यहाँ पर आपके पास कंडीशन कितनी है, आप अगर सामान लेने जाओगे तो आपको कितनी कंडीशन दिखाई देनी, या तो इस दुकान में चले जाओ या फिर आप इस दुकान में चले जाओ, तो दो कंडीशन दिखाई देनी है। तो इन्हीं दो कंडीशन को आप क्या मान लीजिए, अपना इवेंट मान लीजिए। आपने क्या है लेट इवन इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग शॉप ए, ऑफ सेलेक्टिंग कौन सी शॉप वाई, सेलेक्टिंग एक्स या फिर सेलेक्टिंग शॉप एक्स। ठीक है दोस्तों, E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग शॉप वाई। ऐसी हमने कौन सी शॉप सेलेक्ट कर ली वाई। बताइए दोस्तों यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अब इसके बाद E1 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखो दो इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी कितनी हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी 1/2। दोनों में से कोई एक ही तो सेलेक्ट करूंगा, या तो शॉप X पे जाऊंगा या फिर शॉप Y पे जाऊंगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। 1 टिन ऑफ घी इज परचेज, एक घी के टीन को हमने क्या करा है परचेज किया फ्रॉम वन ऑफ द रेंडमली सेलेक्टेड शॉप, किसी भी एक दुकान से, और इट इज फाउंड टू बी टाइप बी। वो कौन से टाइप का निकला, टाइप बी का निकला, कौन से टाइप का बी का। तो जो ए इवेंट था वो ए इवेंट आपका क्या बन जाएगा, इवेंट ऑफ चूजिंग अ टिन ऑफ घी ऑफ टाइप बी, वो टाइप बी का था, टाइप बी। बताइए दोस्तों यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बात करते हैं। इसके बाद भैया हमको क्या निकालना होता था, इसके बाद निकालना होता था a by e1, कितना a by e1 कैसे निकालेंगे, मतलब टाइप b की प्रोबेबिलिटी बतानी है, टाइप b की प्रोबेबिलिटी कितनी, किसमें e1 इवेंट में, e1 इवेंट मतलब शॉप x में। टोटल टीन कितने थे यहाँ पर 70 में से टाइप b वाले कितने थे 40, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 40/70। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे a by e2 की, किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ a by e2, e2 कौन सा था सॉप y कितना था 60, टोटल 110 थे उसमें से कितने हैं 60, तो कितने हो जाएंगे 60/110। तो हम बोल सकते हैं ये 4/7 है और दोस्तों ये हमारे पास 6/11। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर अब हमसे क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज परचेज फ्रॉम द शॉप वाई, हमको ये बताना कि ये जो टिन निकला था टाइप बी का, ये कहाँ से परचेज किया गया था, शॉप वाई में से, कहाँ से शॉप वाई में से, तो वाई इसका मतलब वाई की शॉप कौन सी थी, E2 थी, तो E2/A निकालना है आपको, इसकी प्रॉबिलिटी निकालनी है। फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रॉबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई में प्रॉबिलिटी ऑफ A/E2 अपॉन में प्रॉबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला लगेगा। अब पुट कर देते हैं वैल्यूज, कितना था 1/2 मल्टीप्लाई में A/E2 6/11 अपॉन में 1/2 मल्टीप्लाई में A/E1 कितना है 4/7 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई में ये कितना था 6/11। देखो दोस्तों आपको एक चीज दिखाई दे रही है, 1/2 कॉमन निकाल के नीचे से 1/2 कट जाएगा, तो आपके पास ये जो डेटा बचा वो डेटा क्या बच रहा है, ये बच रहा है 6/11 अपॉन में 4/7 प्लस 6/11। अगर मैं नीचे वाले का एलसीएम ले लेता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A ऊपर कितना बच रहा था 6/11, नीचे वाले का 11 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 77, कितना आएगा 77। अब देखो दोस्तों 7 से 77 को डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, वो जाएगा 11 बार, कितनी बार जाएगा 11 बार, 11 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 44। ठीक है, प्लस
अब देखो 11 का मल्टीप्लाई, 11 को डिवाइड करो, 11 से डिवाइड करोगे 77 को, कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 42, ठीक है ना दोस्तों। अब हम जानते हैं इस 11 से ये कट गया 7 बार, तो आपका डेटा कितना निकल कर आया, आपका निकल कर आया e2 by a इज इक्वल टू 6 into 7 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 86। अब देखो 2 से और कैंसिल कर सकते हैं अभी हम इसको, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, 2 से ये कट जाएगा 43 बार। तो दोस्तों कितना मिल गया ये आपको डेटा, e2 by a इज इक्वल्स टू 21/43 हो गया हमारे पास आंसर। बताइए कितनी इजी थी भाई थ्योरम, क्वेश्चन नंबर बहुत इजी थी, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देयर आर 3 कॉइंस, वन इज 2-हेडेड कॉइन, अनदर इज बाइज्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम एंड थर्ड इज अनबायस्ड कॉइन। देखो अब आपके सामने कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन दे रखी है, 3 कंडीशन। तो आप क्या बोलोगे, लेट कर लीजिए, लेट इवन इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग पहले कॉइन को देखो, पहला कॉइन कैसा है सेलेक्टिंग, कैसा कॉइन है भैया पहला, टू हेडेड कॉइन का मतलब उस पे दोनों तरफ क्या है, हेड है, टू हेडेड कॉइन दोनों तरफ हेड है, ठीक है। दूसरे की प्रोबेबिलिटी, दूसरा इवेंट क्या बन जाएगा, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग क्या था, बायस्ड कॉइन। अगला क्या है, बायस्ड कॉइन को हमने इवेंट मान लिया, बायस्ड कॉइन। देखो एक एक लाइन को पढ़ते चले जाओ उसी के अकॉर्डिंग। तीसरा इवेंट आपका क्या बन जाएगा, वो कैसा कॉइन था, फेयर कॉइन था, अनबायस्ड कॉइन। तो इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अनबायस्ड कॉइन क्या हो गया, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अनबायस्ड कॉइन। बताइए दोस्तों यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब इनकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। देखो आप जानते हो प्रोबेबिलिटी इनकी तो सबकी कैसी आएगी, बराबर आएगी, क्योंकि हर बार कोई ना कोई आप एक ही सेलेक्ट करोगे और टोटल कितने हैं 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी सबकी, 1/3। बताइए दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत, आगे बात करते हैं। वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन, इन 3 में से कोई एक कॉइन सेलेक्ट किया जाता है, उसको टॉस किया जाता है, उस पर क्या आता है, हेड आता है। तो दोस्तों अब ये बताइए वो जो ए इवेंट बन जाएगा, इवेंट वो कौन सा इवेंट होगा, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। आपको क्या मिला, हेड मिला, ठीक है, ये इवेंट हो गया। अब हम चलते हैं अपने आगे के काम पर। आगे का काम क्या होगा, हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन। इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो हेड आया है वो 2-हेडेड कॉइन का था, तो उस पर प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो हेड है वो 2-हेडेड कॉइन पर होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती। देखो दोनों तरफ हेड है, आएगा हमेशा हेड हेड आता रहेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1, है ना। ऐसे आगे बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू, ई टू कौन था सा हमारे पास, बाइज्ड कॉइन पर अगर हेड आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 75% है। इस 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/4, यही आपकी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी। तो 3/4, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई थ्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई थ्री, ई थ्री कौन सा इवेंट था, अनबायस्ड कॉइन था, और अनबायस्ड कॉइन पे हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भैया, 1/2, है ना। अब आगे बात करते हैं, हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2-हेडेड कॉइन। अब ये बताइए जो आपको हेड मिला है वो 2-हेडेड कॉइन का था, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 2-हेडेड कॉइन मेरे पास इवेंट था 1, तो इवन बाई ए बताना है आपको। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन, है ना दोस्तों। आगे बात करते हैं, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी जिसको कितना बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई टू। ये डिनोमिनेटर में है ना दोस्तों, ये क्या है, ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई थ्री। अब वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज इवन कितना था हमारे पास, 1/3 मल्टीप्लाई में ए बाई ई थ्री कितना है हमारे पास, 1 अपॉन में कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस
ये कितना है 1/3 पी ए बाई ई टू कितना है 3/4 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई में ए बाई ई थ्री कितना है 1/2 है ना दोस्तों। अब देखो यहां से मैं बोल सकता हूं कि 1/3 कॉमन निकाल के मैंने सबसे काट दिया तो दोस्तों आपके पास यहां पर बचा कितना, मैं भी साइड में लिख दे रहा हूं कितना बचा दोस्तों, ऊपर बचा 1, नीचे कितना बचा 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2 ठीक है ना दोस्तों। अब हम इसका क्या ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन बाई ए ऊपर क्या था आपके पास दोस्तों, ऊपर था 1, यहां पर एलसीएम लोगे तो एलसीएम किस किस का लेना है 4 और 2, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4। देखो यहां कुछ नहीं था तो यहां पर मैं 1 मान सकता हूं, 1 से 4 को डिवाइड करूंगा 4 डिवाइड होगा, 4 का 1 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4 प्लस, इधर भैया 4 था 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 बार जाएगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3 प्लस, इधर कितना था आपके पास 2, 2 से 4 को डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 2, ये 4 चला गया ऊपर तो भैया कितना आ गया 4 और नीचे कितना आ गया 9, तो प्रोबेबिलिटी e1/a कितनी निकल कर आ गई e1/a इज इक्वल्स टू 4/9, ये हो गया मेरा आंसर। बताइए दोस्तों यहां तक किसी को कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चंस हैं यहां तक और आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बायस थ्योरम क्लियर हो रही होगी ठीक है, जो बायस थ्योरम का डर अभी तक आपके मन में था वो थोड़ा थोड़ा निकलना स्टार्ट हो गया होगा है ना, बहुत इजी होती है बायस थ्योरम, ये क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं होते, आपको ये क्वेश्चन किसी भी हालत में नहीं छोड़ने, ये मान लीजिए आपके फ्री के नंबर है, अगर आप देखो करना क्या करना था इवेंट लिखे उनकी प्रोबेबिलिटी लिखी फिर अगला जो निकालना है प्रोबेबिलिटी वो इवेंट लिखा वहां से प्रोबेबिलिटी निकाली फॉर्मूले में पुट कर दिया, यही तो काम करना है बहुत इजी। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाइस, एक लड़की थी उसने क्या करा एक डाइस को थ्रो किया, इफ सी गेट 1 और 2 अगर उसको 1 और 2 मिलते हैं, सी टॉसेस अ कॉइन 3 times देखो इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, सी टॉसेस थ्री कॉइंस टॉस करती है एंड नोटेड द नंबर ऑफ टेल और उन पर देखती है कि नंबर ऑफ टेल क्या है ठीक है, इफ सी गेट 3, 4 और 5, 6 3 यहां पर कितने 3 कॉइन को टॉस कर रही है वो अगर 1 और 2 मिलेंगे और 3, 4, 5 और 6 मिलते हैं, सी टॉसेस अ कॉइन वंस और वो एक कॉइन को टॉस करेगी एक बार एंड नोटेड वेदर हर हेड और टेल इज ओपन, तो आपके सामने कंडीशन कितनी है, कंडीशन देखो आपके सामने दो कंडीशन दिखा दी है, एक तो 1 और 2 वाली और एक 3, 4, 5, 6 वाली, तो भैया यहां पर आप क्या करोगे लेट कर लीजिए, लेट इवन इवेंट इवेंट ऑफ गेटिंग 1 और 2 ऑफ गेटिंग गेटिंग 1 और 2 ठीक है, ई टू क्या मान लिया ई टू इवेंट ऑफ गेटिंग इवेंट ऑफ गेटिंग 3, 4, 5 और 6 अब दोस्तों ये बताइए, अब देखो दो इवेंट है आपके पास, अब आप दोनों इवेंट में से कोई एक इवेंट ही तो कर पाओगे एक बार में, तो दोनों इवेंट की अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दो इवेंट थे दो बार में दोनों में से कोई एक होगा एक बार में, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2 ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं इसके बाद, अब अपना ए इवेंट देखते हैं, ए इवेंट क्या है, क्या है इफ सी ओपटेन एग्जैक्टली 1 tail क्या मिल रहा है उसको एग्जैक्टली 1 tail मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 tail ठीक है ना दोस्तों, आपको एग्जैक्ट क्या मिल रहा है एक टेल मिल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी। अब आगे हम बात करते हैं यहां पर, इसके बाद आपको क्या निकालना होता था ए बाई ईवन निकालना है, तो ठीक है दोस्तों निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ईवन एक टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो देखो एक टेल क्या था जब 1 और 2 होगा इवेंट ईवन होगा 1 और 2 तो 3 कॉइन आपको टॉस करने हैं, तो 3 कॉइन जब भी हम टॉस करते हैं तो वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या क्या बनती है कंडीशन क्या क्या बनती है वो लिख लीजिए, 3 हेड आ सकते हैं, हेड टेल आ सकता है ना, अगला हेड टेल आ सकता है और टेल हेड आ सकता है, अगला 3 और टेल हो सकते हैं, टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हो सकता है और हेड टेल हो सकता है, यही तो बन सकते थे, इसमें एग्जैक्टली 1 tail चाहिए, तो ये बताओ एग्जैक्टली 1 tail आपको कितनी बार मिला, एक बार दो बार और एक
तीन बार। एग्जैक्टली वन टेल आपको कितनी बार मिला है दोस्तों? तीन बार मिला है। टोटल कितने थे आपके सामने? आठ थे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/8, है ना। हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू की बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू, यहां पर बात कीजिए, ई टू कितना था? 3, 5 और 6। जब ये आएंगे तो कितने कॉइन आपको टॉस करना है? एक कॉइन टॉस करना है। कितना? एक कॉइन। तो यहां पर बात कीजिए, एक कॉइन जब आप टॉस करोगे तो उस पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? 1/2। अब आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 3, 4, 5 और 6? उसने क्या मिला था? 3, 4, 5 और 6 मिला है। 3, 4, 5 और 6, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ई टू बाई ए निकालवा रहा है वो आपसे, ई टू बाई ए। तो हम जानते हैं इसका क्या होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू, है ना दोस्तों, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू। बताइए दोस्तों, मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ई टू की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई में ए बाई ई टू कितना है? 1/2 अपॉन में 1/2 मल्टीप्लाई में ये कितना था? 3/8 प्लस कितना है? 1/2 मल्टीप्लाई में ये कितना था? 1/2। अब दोस्तों हम जानते हैं क्या, 1/2 सब में से कॉमन लेके मैं काट देता हूँ, ठीक है। तो अब आपके सामने यहाँ पर बचा क्या वो लिख लीजिए, जो बच रहा है कितना बच रहा है? 1/2 और अपॉन में 1/8 प्लस 1/2। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या, देखो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करो, तो डिनोमिनेटर आपका दोनों तरफ 8 बन गया, तो ये 4 और 1 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, और 8 चला जाएगा कहाँ पर? ऊपर चला जाएगा। 8 कहाँ चला जाएगा दोस्तों? 8 चला जाएगा ऊपर, सॉरी देखो ये 3 और था, है ना, यहाँ पर 3 और है, ये 3 और है, 3 को कैसे भूल गए हम, 3। तो देखो 4 और 3 कितने हो जाएंगे? ये 7 हो जाएंगे, 8 चला जाएगा ऊपर और 2 मल्टीप्लाई में। तो दोस्तों आपके सामने ये कितना बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए टू बाई ए इज इक्वल्स टू, वो जो 8 था वो चला गया ऊपर, नीचे बन गया 2 भी था और 7 भी था, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। तो प्रोबेबिलिटी ए टू बाई ए कितना निकल कर आया दोस्तों? ए टू बाई ए निकल कर आ रहा है 4/7 आंसर। बताइए दोस्तों यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार और चेक 6 की ओर, टू ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दो ग्रुप हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं? दो ग्रुप हैं हमारे सामने जो किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, पोजीशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कॉरपोरेशन, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप विल विन आर 0.6 और 0.4। तो देखो आपके सामने दो ग्रुप थे, तो इन्हीं दो ग्रुप को हम क्या मान लेंगे? इवेंट मानेंगे। लेट इवन इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट ग्रुप, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट ग्रुप, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ग्रुप को हमने सेलेक्ट करा। और E2 क्या हो जाएगा? E2 इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग सेकेंड ग्रुप, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग कौन सा ग्रुप भैया? सेकेंड ग्रुप। हमारे पास दो ग्रुप थे, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट ग्रुप, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग सेकेंड ग्रुप। अब हम आगे बात करते हैं, अब इनकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। फर्स्ट ग्रुप के विन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? फर्स्ट ग्रुप के विन होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6। सेलेक्टिंग की जगह यहां पर विनिंग कर दो, ठीक है, विनिंग कर देंगे हम, क्या कर देंगे? विनिंग, क्योंकि जीत रहे हैं वो, जीतने की बात कर रहा है वो, विनिंग, ठीक है ना दोस्तों। तो फर्स्ट ग्रुप की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6। और सेकंड ग्रुप की देखो यहां पर उनकी प्रोबेबिलिटी उसने दे रखी है, जब दे रखी है तो वाली प्रोबेबिलिटी लेंगे, नहीं तो अगर नहीं दे रखी होती तो इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती थी दो इवेंट में से, और इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हम फिर हम बोल सकते थे, 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दोनों की, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके बाद क्या है, फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी। तो ए इवेंट क्या बन गया? ए इवेंट क्या बन गया? इवेंट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, इवेंट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट, इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट, क्या कर रहे हो आप? नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ईवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ईवन दोस्तों कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ईवन, ए बाय ईवन कितनी हो जाएगी? 0.7 दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.7। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए बाय ई टू की बात करूंगा तो वो कितनी दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है आपको 0.3, कितनी दे रखी है 0.3। हमसे बात करते हैं क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप का मतलब ई टू बाई ए पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी आपसे ई टू बाई ए की पूछ रहा है, ई टू बाई ए। तो क्या लगाएंगे हम यहां पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई टू। आइए दोस्तों वैल्यूज पुट करते हैं, कितनी कितनी हमारे पास वैल्यूज है, ये कितना था 0. ई टू कितना है, ई टू की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है 0.4 मल्टीप्लाई में ए बाई ई टू कितना है 0.3 अपॉन में ये कितना है 0.6 मल्टीप्लाई में 0.7 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई में 0.3। देखो दोस्तों ऊपर कितना बन जाएगा 0.12, नीचे कितना बन जाएगा 0.42 प्लस 0.12। जब मैं इनको ऐड कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बाई ए, तो भैया ये कितना हो गया 0.12 अपॉन में 0.54। पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं तो बन जाएगा 12/54। 6 से काट देता हूं तो कितनी बार कट जाएगा 2/9। तो आंसर कितना निकल कर आ गया आपके सामने दोस्तों, आंसर निकल कर आ गया कितना 2/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बाई ए हो गया हमारे पास आंसर। बताइए दोस्तों बायस थ्योरम है इजी या नहीं, बहुत इजी है, बस क्वेश्चन की आप लैंग्वेज समझ जाइए उसके अकॉर्डिंग काम करते रहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ए बैग कंटेन 1 white ball 2 black ball 3 red ball, बैग बी कंटेन ये और बैग सी कंटेन इतना। तो आपके सामने देखो कितनी कंडीशन है, वही पहले वाले जैसा सवाल हो गया जो मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझाया था। तो आप क्या करोगे, लेट करोगे यहां पर लेट इवन इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग ए, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग ए। आप कौन सा बैग सेलेक्ट कर रहे हो दोस्तों, बैग ए को सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ई टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ई टू हो जाएगा इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग टू बैग बी। और ई थ्री क्या हो जाएगा दोस्तों, ई थ्री हो जाएगा इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग सी, है ना दोस्तों। देखो बहुत इजी था सेलेक्टिंग बैग सी, यहां तक हम पहुंचे। अब आप दोस्तों ये बताइए, इन तीन बैग में से किसी एक बैग को ही तो आप सेलेक्ट करोगे, तो इन तीनों के प्रोबेबिलिटी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। ई वन की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू और भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री, सब क्या हो जाएंगी आपस में इक्वल, कितनी हो जाएंगी 1/2। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत। हम आगे बात करते हैं, ए बैग इज चूजन एट रैंडम एंड 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम इट विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के साथ 2 balls निकाली जाती हैं। आगे बात करते हैं, दे हैपन टू बी 1 white and 1 red। तो दोस्तों आपका ए इवेंट जो बन गया, ए इवेंट जो बन गया वो क्या बन गया, ए इवेंट ऑफ गेटिंग 1 white and 1 red ball ऑफ गेटिंग 1 white and 1 red ball, कौन सी बॉल, रेड बॉल, ये 2 balls निकल कर आती है। बताइए दोस्तों अब सब इसके बाद हमको क्या निकालना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन, जितने भी इवेंट है उसके बारे में, मतलब कि भैया ये जो रेड बॉल निकल कर आई है, एक रेड बॉल और एक वाइट बॉल, ये कहां से निकल कर आई है, बैग ए से, बैग ए से। तो बैग ए में पहले देखो टोटल बॉल कितनी है, 1, 2, 3 और 3 6 balls है, कितनी है 6। देखो रिप्लेसमेंट का मतलब है आपने एक बॉल निकाली, जैसी निकाली आपने कलर देखा आपने वापस रख दी। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट बोलता तो आपने एक बॉल निकाली और निकाल के उसने आपको बाहर रख दिया, आपने उस वाली बॉल को उसके अंदर बॉक्स द्वारा से बॉक्स में नहीं रखा। तो यहां पर आप रिप्लेसमेंट में द्वारा से उस बॉक्स के अंदर रख रहे हो, तो उस बैग के अंदर द्वारा से कितनी बॉल हो जाएंगी, 6 balls हो जाएंगी, फिर आप दूसरी बॉल निकालोगे। तो एक बॉल टोटल थी 6, पहले मान लीजिए आपने वाइट निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/6, आपने देखने के बाद वापस रख दी, फिर आप दूसरी बॉल निकालने जा रहे हो और दूसरी बॉल भी वाइट, कौन सी होनी चाहिए रेड, तो भैया वो थी 3, 3 में से कोई सी भी एक 6 आ सकती, ठीक है। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि यही वाली कंडीशन पहले आपने कौन सी बॉल निकाली होती, रेड बॉल निकाली होती, फिर आपके सामने वाइट बॉल निकल कर आई होती। तो ये दोनों एक जैसे ही तो है, तो मैं मल्टीप्लाई बाई 2 बोल दे दूंगा, क्योंकि कितना
दो, दो से मल्टीप्लाई हमने इस वजह से कर दिया क्योंकि पहले हमारे पास रेड आ सकती थी फिर वाइट आ सकती थी, ठीक है, तो ये काम सब में कर देंगे। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 1/6, ठीक है, 6 से 1, 6 कैंसिल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू पर आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू यहाँ पर बात करते हैं। दूसरे वाले बैग में टोटल बॉल कितनी है, 2 और 2 4 और 1 5, तो व्हाइट बॉल अगर आपने निकाली तो वो कितनी आ जाएगी, 2/5, 2/5 मल्टीप्लाई में। आपने क्या करा, अब वापस से बॉल डाली, रेड बॉल निकालोगे कितनी आ जाएगी, 2/5, अगेन 2/5 मल्टीप्लाई कितने से, 2 से। तो दोस्तों ये कितना बन जाएगा, 8/25, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई थ्री की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई थ्री कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहां पर बात करते हैं ए बाय ई थ्री की। टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट विद रिप्लेसमेंट, तीसरे बैग में कितनी है, 4 और 3 7 और 2 9 बॉल हैं, वाइट के आने की 4/9 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4/9 मल्टीप्लाई में। वाइट के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, सॉरी रेड के आने की 2/9 और मल्टीप्लाई कितने से और कर दूं, 2 से और कर देंगे, तो 4 × 8 × 16/81। अब देखो, अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे केम फ्रॉम द बैग सी, बैग सी से होनी चाहिए। इसका मतलब दोस्तों आपको क्या निकालना है, E3 by A। फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3 अपॉन में कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 प्लस E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई में दोस्तों कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3। बताइए दोस्तों यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अब सिर्फ क्या करना है, हमको वैल्यूज पुट करनी है और हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो कितना है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 by A कितना था मेरे पास, E3 की वैल्यू कितनी है, 1/3 इंटू A by E3 कितनी है, 16/81, तो 1/3 इंटू 16/81 अपॉन में 1/3, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/6 के, 1/6 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 8/25, 1/3 इंटू 8/25 प्लस 1/3 इंटू 16/81। तो देखो हमने क्या करा, 1/3 सब में से भैया कॉमन लेके हमने काट दिया, अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बच रहा है 16/81। नीचे वाले का अगर आप एलसीएम लेते हो तो दोस्तों एलसीएम आएगा 81 और 25 ये नीचे वाले का एलसीएम आया, 6 से डिवाइड करो पहले इसको, देखो 2 काट देगा 6 को, यहां से 3 काट देगा तो ऊपर बचेगा 25 और 27, तो ये आ जाएगा 25 × 27 प्लस 25 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 81 और 2 से मल्टीप्लाई इतना, तो 16 × 81 प्लस। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे कितना है, 81 से काट दोगे तो ये कितना बचेगा, 81 से ये कट जाएगा 25 50, तो ये कितना आ जाएगा, 16 × 50। आगे बात करते हैं, अब देखो 81 से यहाँ पर 81 से ये 81 और कैंसिल हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा दोस्तों, हो रहा है ना, तो मैंने वो कैंसिल कर और कर दिया। आगे आगे बात करते हैं, तो ऊपर कितना बचेगा, ये 25 और ये सब ऊपर चले जाएंगे, तो 16 × 2 × 25 अपॉन में 25 25 625, दो और बचेंगे 50 625 650 675, कितना आया, 675 प्लस 16 का 16 8 कितने होते हैं, 16 16 16 16, चलो ठीक है 16 8 128 128 और 16 196 12 128 12 96 प्लस 16 5 32 16 5 80 800 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 800, ठीक है दोस्तों 800 आ गया, सबको जोड़ देते हैं, 25 × 2 = 50, 16 × 5 कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 800 और नीचे दोस्तों कितना आ जाएगा, 12 और 8 12 और 8 20, इसको एक काम और करते हैं, 4 इससे लेकर दे देते हैं, 21 21 और 6 27 27 71 27 71, कुछ ऐसा बच रहा है, 12 और 8 21 27 71, तो ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है दोस्तों। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, एक बैग कंटेन 2n+1 कॉइन, इट इज नोन दैट
एन ऑफ दीज कॉइन्स हैव अ हेड ऑन बोथ साइड एंड वेयर एज रेस्ट ऑफ कॉइन्स आर फेयर। तो देखो दो टाइप के कॉइन है, जैसे ही आपको मालूम पड़ा दो टाइप के कॉइन है तो आपका इवेंट बन गया, लेट इवन इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग पहला कॉइन जो है वो कैसा कॉइन है, हेड ऑन बोथ साइड, तो टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड कॉइन बोल देते हैं हम उसको, टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड कॉइन था। ठीक है दोस्तों, E2 क्या बन जाएगा, E2 इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग फेयर कॉइन, यही थे ना फेयर कॉइन। अब इनकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, इनकी किसकी भैया कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखो इवेंट या तो वाले कॉइन को निकालो या फिर आप दूसरे वाले कॉइन को निकालो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, वन अपॉन टू। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी आ जाएगी, वन अपॉइंट टू। बताइए मैंने यहाँ तक कोई गलती की है क्या, यहाँ तक अगर कोई गलती की है तो बताइए। ठीक है, अब आप देखिए क्या कह रहा है, एक कॉइन इज पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स एंड इज टॉस। हमने क्या करा, एक कॉइन को निकाला उसको उछाला, हमको क्या मिला, ये काम मिले। ठीक है चलो देखो एक काम चीज, यहाँ पर हमने एक गलती कर रहे हैं, आप लोग वही चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने इसी वजह से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन वन बाई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू वन बाई टू लिखा था। देखो पहले जब तक हम गलती नहीं करेंगे हमको समझ में नहीं आएगा हम क्या गलती कर रहे हैं। ये बताइए ये जो इवेंट आप सेलेक्ट कर रहे हो वो इवेंट क्या थे, कॉइन को सेलेक्ट करने के। अब आपके पास कॉइन कितने, पहले ये तो पता कर लो, उसी में से तो आप सेलेक्ट करके बताओगे कितनी प्रोबेबिलिटी कितनी क्या आ रही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, टू एन प्लस वन है, कितने, टू एन प्लस वन। इसमें से, इसमें से टू हेडेड कॉइन कितने हैं आपके सामने, टू हेडेड कॉइन है एन, टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड कॉइन्स कितने हैं भैया, टू हेडेड कॉइन्स हैं आपके सामने एन। और भैया यहाँ पर फेयर कॉइन कितने हो जाएंगे, फिर टोटल में से, टोटल में से माइनस कर दीजिए, टू हेडेड कॉइन को टू एन प्लस वन में से माइनस कर दीजिए, इसको तो कितने बचे, एन प्लस वन बचे, एन प्लस वन। अब बात करेंगे, अब बात कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। अब देखो जब आप कोई टू हेडेड कॉइन को सिलेक्ट करोगे तो जितने कॉइन थे उनमें से ही तो आप बात करोगे, तो आप कितने कॉइन को, कौन से कितने कॉइन आ सकते थे, एन कॉइन एंड टू हेडेड, तो एन बाय टू एन प्लस वन, यही तो आ सकता है ना। आगे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू की बात कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू कितने हो सकते हैं, एन प्लस वन है, एन प्लस वन अपॉन में टू एन प्लस वन, ये आएंगे। बताओ अब ए की बात करो, ए क्या है, आपको यहां पर क्या चाहिए, उसको दे रहा है हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, हेड की प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट क्या है हमारे पास, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है अब हम आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे यहां पर, अब हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन कितनी होगी, मतलब हेड के आने की प्रोबेबिलिटी बताइए इवन टू हेडेड कॉइन पे। भैया देखो दो हेडेड कॉइन है उस पर हेड हेड आता ही रहेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वन। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालेंगे, ए बाई ई टू, मतलब फेयर कॉइन पर हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, फेयर कॉइन पर हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी जानते कितनी होती है, वन अपॉन टू। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉस रिजल्ट इन हेड, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी जो थी, हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/42 है, तो हेड हमने कितना माना था, ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है आपको 31/42। बात आई कुछ समझ में, ये दे रखा है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का केस था। अब सीधे हम फॉर्मूला लगा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दोस्तों कितना हो जाएगा, पी इवन मल्टीप्लाई में पी ए बाय इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए बाय ई टू। बताओ दोस्तों किसी को कोई दिक्कत, अब यहाँ पर ए कितना था 31/42 इज इक्वल टू, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारे पास, एन अपॉन टू एन प्लस वन मल्टीप्लाई में वन प्लस एन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस वन और मल्टीप्लाई में वन अपॉन टू। तो दोस्तों ये क्या बना, मैं कह सकता हूँ इनका एलसीएम ले लोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, टू एन, टू एन प्लस वन, टू प्लस टू एन प्लस वन, इससे इसको डिवाइड करेंगे टू बचेगा, टू का मल्टीप्लाई एन में तो ये हो जाएगा टू एन प्लस में एन प्लस वन, 31/42। अब देखो दोस्तों इस वाले टू से आपने, इस वाले टू से इसको कैंसिल कर दिया 21 बार, यहाँ पर क्या बचा आपको, आपको कितना मिल रहा है, आपको मिल रहा है 31/21
इज इक्वल टू 3n + 1/2n + 1। कंपेयर करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 62n + 31 इज इक्वल टू 63n + 21। इसको 21 को इधर ले जाओ, 21 को इधर ले जाओ, 62n को इधर ले जाओ, तो ये 31 - 21 इज इक्वल टू 63n - 62n आएगा। तो n की वैल्यू यहाँ से दोस्तों कितनी निकल कर आ गई, n की वैल्यू निकल कर आ गई यहाँ से 10। बताइए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इजी क्वेश्चन हैं। देखो बायस थ्योरम बहुत इजी होती है, अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत इजी है। आप लैंग्वेज को समझ जाओ, उसकी एक एक कंडीशंस को करते चले जाओ, इजी हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रहा है, 3% ABC अप्लाई फॉर अ जॉब ऑफ मैनेजर इन अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, चांसेस ऑफ देयर सिलेक्शन ABC आर इन द रेशियो। ठीक है, तीन थे तो हम यहाँ पर इवेंट यही मान लेंगे, तीन है। लेट इवन इवेंट, कौन सा इवेंट हो जाएगा दोस्तों, इवेंट ऑफ सिलेक्शन, इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए, ए के सिलेक्शन का। E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा इवेंट ऑफ सिलेक्शन, इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ बी, है ना दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ बी। ऐसे ही E3 क्या हो जाएगा दोस्तों, E3 हो जाएगा इवेंट ऑफ सिलेक्शन, इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ सी, है ना दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ सी, सिलेक्शन ऑफ सी। अब इनकी प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी E1 की प्रोबेबिलिटी दोस्तों कितनी है, E1 की प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस दे रखे हैं ना, ये जो रेशियो है 1, टोटल कितना था 7, 7 में से 1 है, तो ये प्रोबेबिलिटी 1/7 किसकी हो गई, E1 की, A की। बी की कितनी है, E2, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/7, ऐसे ही वो कितना है 4, तो E3 की कितनी हो जाएगी, E3 की कितनी हो जाएगी दोस्तों 4/7। बताइए दोस्तों यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आगे बात करते हैं। ए बी एंड सी कैन इंट्रोड्यूस चांसेस टू इम्प्रूव द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब वो क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चांस टू इम्प्रूव प्रॉफिट, तो हम क्या मानेंगे, एक इवेंट मान लिया, इवेंट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्रॉफिट, इवेंट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्रॉफिट, इवेंट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, इंट्रोड्यूसिंग क्या, प्रॉफिट। आगे इतने इतने दे रखे हैं, सॉरी कितने, 0.8, 0.5, 0.3 एक्सपेक्टली इफ द चांसेस डज नॉट टेक प्लेस। देखो हो गया आपके साथ अभी गेम, आपके साथ एक गेम हो गया। यहां पर क्या हुआ, यहां पर उसने बोला था कि चांस को इंप्रूव करने के चांसेस, प्रॉफिट को इंप्रूव करने के चांसेस ये दे रखे थे, लेकिन आगे सवाल पढ़ो, इफ द चांस डज नॉट टेक प्लेस मतलब प्रॉफिट जो था, प्रॉफिट के वो इंप्रूव कर रहे थे प्रॉफिट को, वो होता ही नहीं है। लेकिन आपने ए क्या माना था कि वो प्रॉफिट होता है, लेकिन यहां पर क्या हो दिया, प्रॉफिट होता ही नहीं है। तब ये बताइए कि अपॉइंटमेंट जो था वो सी का था, तब बताइए। इसका मतलब जो आपने ए माना था, आपको क्या निकालना है, आपको ए डैश निकालना है। ए डैश क्या हो जाएगा, इवेंट ऑफ नॉट इंट्रोड्यूसिंग प्रॉफिट, इंट्रोड्यूसिंग प्रॉफिट, क्या वो प्रॉफिट को भैया इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो प्रॉफिट नहीं करवा पा रहे। तो अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाय E1। आपको यहां पर उनके इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, उनके ना इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी को निकालने का मतलब क्या होता है, 1 में से माइनस कर दिए, तो 1 में से 0.8 माइनस करूंगा, कितनी आ जाएगी 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाय E2 जो B के था, B के द्वारा कितनी दे रखी है भैया, यहाँ पर कितनी दे रखी है 0.5, तो 1 - 0.5 कितनी हो जाएगी 0.5। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश बाय E3 कितनी हो जाएगी, 1 - कितनी दे रखी है दोस्तों यहाँ पर 0.3, तो ये कितनी हो जाएगी 0.7। बताओ अब हमसे क्या पूछ रहा है, अपॉइंटमेंट किसका हुआ था, C का हुआ था, इसका मतलब ये पूछ रहा है आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय A डैश, जिसका फॉर्मूला कितना लगाएंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश बाय E3 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई थ्री। ठीक है दोस्तों, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज हमारे पास कितनी कितनी दे रखे, ई थ्री, ई थ्री कितना दे रखा था भैया 4/7, तो हम क्या लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री बाय ए डैश कितना जाएगा 4/7 मल्टीप्लाई में दोस्तों ये कितना था ए डैश बाई ए थ्री कितना था 0.7, कितना है 0.7 अपॉन में ये कितना है ई वन का कितना दे रखा है, ई वन का दे रखा है 1/7 फिर 2/7, 1/7 मल्टीप्लाई में 0.2, 1/7 मल्टीप्लाई में 0.2 प्लस 2/7 मल्टीप्लाई में ये दोस्तों हमारे पास कितना था ये आया है 0.5 प्लस 4/7 मल्टीप्लाई में 0.7। अब देखो दोस्तों हम एक काम करते हैं, क्या मैं 1/7 लेके सब में से कॉमन लेके काट सकता हूँ, तो ऊपर कितना बन जाएगा ऊपर दोस्तों ऊपर बचेगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री बाय ए डैश इज इक्वल्स टू 2.8 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 0.2, ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2.8 और 0.2 3 और 1 कितने बन जाएंगे 4 बन जाएंगे, तो ये कितना हो गया 2.8 अपॉन में 4, इसको कैंसिल करने कितनी बार कट जाएगा 0.7 बार आंसर। बताइए दोस्तों कितना ईजी था। ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक बैग है एक्स जिसमें 4 व्हाइट बॉल 2 ब्लैक बॉल है, एक दूसरा बैग है वाई जिसमें 3 व्हाइट बॉल और 3 ब्लैक बॉल है, 2 बॉल्स निकाली जाती हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। चलो यहां पर लेट कर लीजिए, लेट ई वन इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग कौन सा बैग सेलेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, हम सेलेक्टिंग बैग एक्स। मैं इसको देखो आधा आधा तक पहुंचा देता हूं आपको, फिर आप उसके बाद इसको कंप्लीट कर लेना। ई टू कितना हो जाएगा इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग वाई। अब बताइए दोस्तों अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन निकालोगे, आपके सामने दो बैग हैं, दोनों में से कोई एक बैग को तो सिलेक्ट करोगे 1/2, और प्रोबेबिलिटी अगर आप ई टू निकालोगे तो भैया उसकी भी कितनी आ जाएगी 1/2। बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बात करते हैं आगे, अब आप दो बॉल निकाल लो इसमें से, वर फाउंड टू बी 1 white and 1 black, तो ए क्या हो जाएगा इवेंट ऑफ गेटिंग वन white and one black ball। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आप क्या निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई वन, मैं बताता हूं अब देखो कैसे निकालोगे। पहले बॉल बैग एक्स में कितनी बॉल थी, 4 और 2 6 बॉल है, आपने पहले व्हाइट बॉल निकाली तो आप क्या कहोगे व्हाइट बॉल के निकालने के 4/6 वेज होंगे इस तरीके, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब आपने क्या करा एक बॉल बाहर निकाल लिया, बॉल कितनी रह गई है बैग के अंदर 5 बॉल रह गई हैं, तो भैया अब उन 5 में से कोई सी ब्लैक बॉल निकल कर आएगी, ब्लैक बॉल के निकल कर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया वो कितनी है 2, तो ये कितना हो गया 2 प्लस। अब उल्टा भी हो सकता था ना, उल्टा क्या हो सकता था भैया पहले आपने ब्लैक बॉल निकाली होती तो प्रोबेबिलिटी कितनी आती 2/6 मल्टीप्लाई में, अब अंदर कितनी बॉल आ गई 5, उन 5 में से व्हाइट बॉल कितनी थी 4, तो भैया ये तो देखो ये सेम कहानी है ना, सेम ही आगे पीछे हो गए, तो मैं मल्टीप्लाई कितना कर देता हूँ 2। ऐसे ही आप निकाल लीजिए क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई टू कितना, देखो काट देते हैं 2 से कट जाएगा 3 × 15 8/15। ई टू की बात करते हैं, ई टू उसके अंदर टोटल बॉल कितनी है 3 और 3 6 बॉल है, तो पहले व्हाइट बॉल निकालोगे तो भैया व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 3/6 मल्टीप्लाई में, द्वारा में बॉल बचेंगी 5 और वो कितनी बचेंगी 3 मल्टीप्लाई में कितना 2 3 × 2 = 6 कट जाएगा, ये कितना आएगा 3/5 आएगा। देखो बहुत इजी हो गया, अब हमको क्या निकालना है आगे बात करते हैं। फाउंड टू बी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स वर ड्रॉन फ्रॉम बैग बाई, कौन से बैग से निकाली जाती है वाई बैग से निकाली जाती है वाई बैग से, तो इसका मतलब ई टू बाई ए निकालना है आपको। फॉर्मूला क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय। बताइए दोस्तों कितना इजी चल रहा है ना अभी तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई टू।
ठीक है दोस्तों, आगे वैल्यू पुट कर देते हैं। E2 कितना था, 1/2, कितना है हमारे पास 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 by A वो कितना है 1/2 मल्टीप्लाई में दोस्तों, ये हमारे पास कितना है 3/5 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई में ये कितना है हमारे पास 8/15 मल्टीप्लाई में 8/15 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई में 3/5। तो दोस्तों देखो काट देते हैं, 1/2 कैंसिल हो गया, एलसीएम लेके अब देखो, अब आप आगे सॉल्व कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3/5, नीचे वाले का अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितना आ जाएगा 15, 15 से एक बार कटा 8, 5 से ये कटेगा कितनी बार भैया, 3 बार, 3 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 9। अब देखो इस वाले 5 से ये 15 कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये भैया कितना हो गया 3 × 3 = 9 और 9 × 8 कितने हो जाएंगे 70। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 by A निकल कर आ गई 9/70। बताइए दोस्तों यहाँ तक मेरे ख्याल से हमने ये जो आज 22 थ्योरम के 10 क्वेश्चंस किए हैं ये बहुत इजी क्वेश्चन थे और वो क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं रही होगी। ठीक है दोस्तों, देखो बहुत इजी होती है 22 थ्योरम, ठीक है, आप बस कंसेप्ट को समझते रहिए, लैंग्वेज को पकड़िए क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि जो वो जो दोस्त हैं आपके, अगर उनको 22 थ्योरम में कोई दिक्कत आ रही है तो वो इस वीडियो के थ्रू वो उनकी दिक्कत खत्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नई वीडियो में, थैंक यू।